नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए वित्तीय वर्ष में आबकारी नीति में बदलाव करते हुए अहाते बंद करने का जो आदेश दिया था उसके अब दुष्परिणाम कहे या अच्छे परिणाम कहे साफ तौर पर सड़कों पर नजर आने लगे हैं। दरअसल ये नज़ारा जो आप देख रहे हैं ये सागर के सुर्खी का नज़ारा है और इस आदेश का ये फायदा हुआ सरकार को कि लोग सड़कों पर जाम छलका रहे हैं, खुलेआम दारूखोरी हो रही। देखिए आप, सुर्खी में शराबियों का आतंक किस कदर हावी है कि अहाते तो बंद हो गए लेकिन दुकानों पर साफ तौर पर वो सारी चीज़ें मुहैया की जा रही हैं जो लोगों को आसानी से मिल रही है और शराबियों के हौसले बुलंद हैं। सुर्खी नगर के बीच सड़क पर स्थित बिजली की डीपी पर ये शराबी चढ़ा है और अपनी जान जोखिम में डाल ली है। आप देख सकते हैं वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया। हम आपको बता दें कि नई नीति में दुकान से शराब ले सकेंगे लेकिन अहाते बंद होने से बैठकर पीने की जगह नहीं है, जिसकी वजह से अब सड़कों पर खुलेआम जाम छलकाए जा रहे हैं। सरकार द्वारा प्रदेश के अहाते बंद करने की घोषणा के बाद 1 अप्रैल से सारे अहाते बंद हो गए थे लेकिन इसके बाद जो नज़ारे सामने आए हैं वे चौंकाने वाले हैं। लोग सड़कों पर खड़े होकर जाम छलका रहे हैं, आम लोगों को परेशानी हो रही है। आप देखिए विजुअल सुर्खी का ये नज़ारा है, बीच रोड पर बनी डीपी पर ये शराबी युवक चढ़ा है और अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। पुलिस भी कोई कार्रवाई इन पर करती नज़र आती नहीं है, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। तो आप स्वयं देखिए विजुअल्स किस तरीके से शराबी बीच रोड पर डीपी पर चढ़ गया। और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सागर टाइम्स न्यूज। अरे तुम्हें क्या करने लड़की चलो गई लट्ठी, तुम अपन हो क्या करने, अपनो काम देखो तो दुकानदारी देखो, वो आ गाओ ये कर बने पकड़ रहा तुम्हें का। अरे यार क्या सरकारी नहीं है यार, सही है यार, गाय को अच्छा दिया।